कोरबा में रहने वाला कैट लवर परिवार, जिसके घर में एक दो नहीं बल्कि 20 से अधिक बिल्लियों का कुनबा बड़े इत्मीनान से रहता है, देखिए ये रिपोर्ट। आईटीआई रामपुर में रहने वाली विमला मोजेश के दो बेटे, एक बेटी और एक पोती है। इसके अलावा एक परिवार में 20 से अधिक सदस्य और रहते हैं, जो बेहद खास है। ये बिल्लियां विमला की लाडली हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर लंच और रात का खाना इन बिल्लियों के साथ होता है। बिल्लियों के बीमार होने पर विमला पशु चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में इनका इलाज भी कराती है। दरअसल 3 साल पहले विमला को घर के बाहर जख्मी हालत में एक बिल्ली का बच्चा मिला, उसे घर ले आई। इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई, इस पूरे परिवार की सदस्य भी बन गई। उसका नाम था बेबो। इसके बाद लगातार बिल्लियों की संख्या बढ़ती गई। आज इस घर में 20 से अधिक बिल्लियां उछलते फांदते नजर आती हैं। इन बिल्लियों का नाम भी है काली, टुक टुक, पूसी, मैगी, लिली। अपना नाम सुनते ही भागी चली आती है। सिर्फ बिल्ली ही नहीं बल्कि गिलहरी, लव बर्ड और डॉग भी मोजेस फैमिली के मेंबर रह चुके हैं। विमला कहती है कि लोग बिल्लियों को लेकर तरह तरह के अपशगुन मानते हैं, लेकिन ये बिल्लियां मेरे लिए काफी लकी है। इनकी देखभाल दूसरे पालतू जानवरों की तरह ज्यादा नहीं करनी होती। डॉग पालने में जो खर्च होता है, बिल्ली पालने में उससे कम खर्च होता है। ये बिल्लियां अपनी माँ की तरह विमला की बात सुनती है और मानती है। इस शौक के लिए विमला और आशी इलाके में मशहूर है। तीन चार साल हो गया। कहाँ से लाए थे? हाँ, मिल गया था भाई, बच्चा था, ले आए पाले थे। चूहा से परेशान थे, चूहा नुकसान करता था तो पाले, तो उसका वंश बढ़ते गया और घर से निकलते गए। कितना लगाव है और आपको बिल्लियों से, और किस तरीके से उनका ध्यान रखते हैं? खाने में किसी के घर से शिकायत ना ला करके समय में उनको हम लोग मटन देते हैं, मछली देते हैं, खाना देते हैं, उसका सेवा भी करते हैं। क्योंकि किसी को पालोगे तो उसके बदले में तो कुछ करना पड़ेगा ना, रखोगे तो जब उसका अच्छाई है तो बुराई को थोड़ी भी नहीं है हम लोग, तो बहुत लगता है। कितना बात मानते हैं बिल्ली आपकी? क्या कुछ नाम रखे हैं इनका, कैसे बुलाते हैं? कल्ली नाम है, भूरी नाम है, और अरे क्या नाम है, टुक टुक नाम है।